शुभोदय छात्रगण, आज इस अंतर में गद्य से संबंधित पाठ पहाड़ से ऊंचा आदमी भाग नंबर 3 के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले अंतरों में इसी पाठ से संबंधित दो भागों के बारे में वर्णन किया गया, यानी चर्चा की गई, जिसमें इस पाठ का अंतिम भाग भाग नंबर 3 इसके बारे में चर्चा करने से पूर्व संक्षिप्त में इस पाठ विषय के रचनाकार यानी सुभाष गाथाड़े जी का परिचय देखें, जिसके अंतर्गत आपका जो जन्म हुआ है 24 अक्टूबर 1957 को कहाँ पुणे महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र के राज्य में पुणे अंतर्गत पुणे में 1957 24 अक्टूबर को आपका जन्म हुआ है। तो 1981 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की, मीन्स स्नातकोत्तर बने। इन विच ईयर ही वॉज इन 1981 ही वॉज ए गुड व्हाट वन इज ए ग्रेजुएट फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी, काशी यूनिवर्सिटी। वेन ही बॉर्न इन 24 अक्टूबर 1957 इन पुणे महाराष्ट्र स्टेट, राइट। इसके बाद आप सफल सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, संपादक, अनुवादक के रूप में माने जाते हैं। इज नॉट ए कॉमन पर्सन द कॉमन मैन बट इज डू द सर्विसेज इन डिफरेंट वेज इन इन द लिटरेचर लाइक एज ए गुड सोशल वर्कर एंड एक्स एज ए सक्सेसफुल एडिटर एंड एक्स अनदर अनुवादक मीन्स ट्रांसलेटर इन लाइक दिस सो इन एक्सेट्रा। सो इस प्रकार इन 1992-1999 ही वॉज डू एज एन एडिटर इन विच द लोक दास्त मीन द सीक्रेट ऑफ द सोसाइटी है न संसार वर्ल्ड लाइक दिस वन। सो इस प्रकार 1990 से लेकर 99 तक इन्होंने क्या किया, पत्रकार के रूप में, संपादक के रूप में, मैंने लोक दास्ता पत्रिका के संपादक रहे। उसी प्रकार 2001 में आफ्टर 2 ईयर्स गैप अगेन ही वॉज वन ऑफ द गुड एक्ट एज ए एडिटर इन विच कृति संस्कृति संधान मीन्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्कुलेटेड पेपर दट्स कॉल्ड एज ए कल्चर एंड द रिटर्न्स लाइक रिलेटेड बिटवीन दिस टू लाइक दिस वन कृति संस्कृति संधान जस्ट यू लेबल दैट न्यूज पेपर ही वॉज वन ऑफ द डूइंग एज एक्ट एज ए एडिटर गुड एडिटर एडिटिंग टू दिस पेपर ने आप विशेष रूप से यानी अच्छे क्या बने गए, समाज सुधारक माने गए। मीन दिस डू द डिफरेंट वेज दिस एक्टिविटीज बट ही वॉज कॉल्ड एज ए गुड सोशल वर्कर डूइंग एज ए गुड सोशल वर्कर मीन नोन एज एज ए गुड सोशल वर्कर एक अच्छे संपादक के रूप में माने जाते हैं। ये जो था संक्षिप्त में अने कौन सा अने सुभाष गाथाड़े जी के जीवन परिचय के संबंध में, और यहाँ इनसे लिखे गए यानी जो पहाड़ से ऊंचा आदमी जो शीर्षक का यानी जो भाग नंबर 3 के अंतर्गत क्या देखा जाता है कि दशरथ मांझी ने अपने पत्नी के यानी मृत्यु के यानी दुख को यानी उसको निवारण के लिए मैंने बहुत दुखी नहीं बने उसके बाद विचार नहीं करे बल्कि उन्होंने उस दुख को एक नई क्या बने संकल्प शक्ति के रूप में बदल देते हैं। मीन यू डू एज ए गुड एने नोबलाइज्ड एन एक्टिविटी दैट सैडनेस इज एन ए लाइक एन एग्जिबिटिंग एज ए गुड सोशल एक्टिविटी है ने संकल्प शक्ति, संकल्प शक्ति का माने इमेजिन एज ए गुड थिंग एज ए सोसाइटी लाइक लाइक ताजमहल इज ए मेमोरेबल ऑफ एन ए शाहजहान एज हर हिज योर वाइफ ओके मुमताज महल
सो बदल देते हैं, उन्होंने अपने गांव और शहर के बीच रहे अने पहाड़ को अने काट कर रास्ता बनाने का निर्णय लिया. व्हाट ही इन ए गुड टेकन द गुड डिसीजन मीन द डिसीजन वाज हिज एंड द वन ऑफ द माउंटेन इन बिटवीन दैट हिज विलेज टू एज ए टाउन मीन एक गांव और शहर के बीच रहे पहाड़ को काट कर रास्ता बनाना चाहते थे. रास्ता माना मीन्स दे मेक ए वे मीन रोड है ने फ्रॉम दैट द माउंटेन. सो ही वाज कट द माउंटेन एंड मेक ए रोड है ना वे. तो दशरथ मांझी की दृढ़ निश्चय की शक्ति है उसके लिए ही नहीं मानवता के लिए सहायक रहती हैं. मीन एज अ डिसीजन व्हाट यू टेक द डिसीजन हियर हियर cut the mountain and then next make a road. So this decision is was not only is your experience means appreciating that person and but every your society too. Mean Dashrath Manjhi ke dur niche mean संकल्प उन्होंने जो किया है वो शक्ति जो होती है उसके लिए नहीं है. मीन्स नॉट ओनली नोन दैट पर्सन एर अप्रिशिएटिंग दैट पर्सन मीन्स दशरथ मांझी मानवता के लिए ह्यूमैनिटी के लिए भी मीन दैट इज द सिंबलाइज द ह्यूमैनिटी टू यार सहायक मीन्स हेल्प टू ह्यूमैनिटी मीन्स इज इंडिकेट टू द ह्यूमैनिटी टू. इज नॉट ओनली that final decision what will take in the after the death of his wife is not only indicates symbolized to the person of Dashrath Manjhi but that symbolized to manavata ke liye bhi sahayak help and is a help to the humanity too. है ना ये मानवता के लिए भी सहायक है ना केवल वो दशरथ मांझी के लिए यानी जो सहायक है मेन यानी जो शक्ति उसके यानी सहायक बनती है वो इस प्रकार दर्शाया गया. अरेंडेशन हियर क्या बताया गया कि दशरथ मांझी ने क्या किया अपनी पत्नी के देहांत के बाद इन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया है. वो दृढ़ निश्चय क्या है कि इस गांव के बीच गांव और शहर के बीच में रहने वाले पहाड़ को अने काट कर एक रास्ता बनाना चाहते थे है ना. तो इस रास्ते को क्योंकि उसकी पत्नी इस फैसला 90 किलोमीटर की दूरी पर ही होने एकमात्र से उसकी पत्नी का देहांत हुआ ये वाला उसका मन पर ऐसा छाप पड़ गया मैंने मुद्रा पड़ गई. तो इस प्रकार उन्होंने क्या किया उस वाले माउंटेन को काट कर रास्ता बनाना चाहते हैं और ये वाला नीचे काम शुरू कर दिया. उन्होंने पिछले यंत्र में देखा तो वो वाला जो होता है वो केवल ना मान ये दृढ़ निश्चय उस ने दशरथ मांझी के लिए बल्कि सफल मैंने एक सहायक समाज के सहायक भी बनते मानवता के लिए सहायक रही है. दृढ़ उन्होंने साबित कर दिया था कि मनुष्य से ज्यादा ऊंचा कोई नहीं होता. एज पर हिज डिसीजन व्हाट ही डूइंग यार कट द माउंटेन बिटवीन विच इज द बिटवीन दट हिज हाउस हिज विलेज है विलेज टू इज अ टाउन. ओके द शॉर्टकट कट योर कट द माउंटेन एज अ रोड एंड मेक ए रोड. सो दिस वर्क द डिसीजन इज नॉट ओनली सिंबलाइज टू ब्रेवनेस टू दैट दशरथ मांझी बट इट इंडिकेट टू दैट इट्स अ हेल्प टू एंड इंडिकेट एज अ ह्यूमैनिटी टू एज अ ह्यूमैनिटी टू दिस वर्क लाइक दिस वन. ओके उन्होंने ये साबित कर दिया कैन ही प्रूव दैट एज अ ह्यूमन बींग इफ यू आर थॉट यू कैन डू एनी थिंग यर विदाउट एनी डाउट विदाउट एनी डाउट. सो ज्यादा ऊंचा कोई नहीं ये फाइनली ही डिसाइडेड टू दैट ह्यूमन बींग इज द ग्रेटर दैन द नो बडी कैन ग्रेटर दैन द ह्यूमन बींग मीन इफ दैट डिसाइडेड एनी वन ऑफ द थॉट एंड यू कैन डू द सक्सेस इन दैट वर्क means in the humanity means the human being is one of the great person in the created by other humanity here other creations right.
दशरथ मांझी के इस कार्य के बाद दुनिया इन्हें माउंटेन मैन के रूप नाम से भी जानने लगे. मीन आफ्टर डूइंग दिस वर्क एंड ही गेट द सक्सेस एंड कॉल्ड एज ए माउंटेन मैन, है ना. सो नेक्स्टली व्हाट वन इज फाइनल इज व्हाट इज द कंक्लूजन अबाउट What is the conclusion in this topic means सफल होने के लिए संयम जरूरी है. means and सफल होने के लिए successful. If you want the success means if you have the patience and patience you can get the success in a work. mean nextly सृष्टि में मानव से बढ़कर और कोई बढ़कर नहीं है. बढ़कर अरे सृष्टि से मानव से बढ़कर और कोई नहीं है. मैंने बढ़कर नहीं है और नहीं है. सृष्टि में मानव से बढ़कर और कोई नहीं है. नो बॉडी कैन ग्रेटर देन दैट ह्यूमन बीइंग इन द क्रिएशन ऑफ क्रिएटेड बाय गॉड इन द क्रिएशंस. मनुष्य होता मनुष्य चाहता तो पहाड़ जैसे असंभव से कार्य को भी संभव बना लेता है. मीन्स इफ द ह्यूमन बीइंग thought the decided he come to that do work, hai na, to pahad jaise mountain jaise you can be break the mountain too. mean is a is not a what one possible. mean if the human being he decided any work to do work so he can be nothing but anything, hai na. yahan par kya hota hai ye the human being पहाड़ से जैसा असंभव सा कार्य भी संभव नहीं माने थे. नॉट दैट ह्यूमन बींग नॉट हैव एनी इम्पॉसिबल. मीन एवरी थिंग विल बी पॉसिबल टू इफ दैट ही थॉट इन डिसाइडेड इन डिसीशन एज ए डिसीशन. सो इस प्रकार यहाँ पर यानी पहाड़ से ऊंचा आदमी जैसे शीर्षक के यानी तीन भागों का समापन हुआ है और इसके साथ साथ में इसके संबंधित विशेष को तीन विशेषताओं को भी बताया गया. पहली विशेषता है सफल होने के लिए संयम जरूरी है. यानी इफ यू वांट द सक्सेस मीन यू हैव द पैशंस फर्स्ट थिंग. सेकंड क्या है सृष्टि में मानव से बढ़कर और कोई नहीं है. मानव से बढ़कर और कोई बड़ा नहीं है. So nobody can greater than that human being in the creation which is created by God. Next, मनुष्य चाहते तो पहाड़ जैसे असंभव कार्य को भी संभव बना लेता है. Mean if human being that thought or decided is to cut the mountain, I mean is not impossible. Mean if he thought the mountain are impossible work as a possible to cut the mountain. Means mountain को कट करके मीन पहाड़ को कट करके भी असंभव माउंटेन को कट करना असंभव सा कार्य है. इज इम्पॉसिबल टू कट द माउंटेन एंड मेक ए मीन्स रोड. मीन इफ यू डिसाइडेड सो इट इज विल बी पॉसिबल. मीन द टोटली द ह्यूमन बींग इफ यू थॉट इज नॉट हैविंग एनी इम्पॉसिबल एवरीथिंग विल बी पॉसिबल. ओके आशा है कि आप लोग इस विषय को संपूर्ण रूप से समझौता समझ रखे होंगे. और आई थॉट दिस इज द टाइटल यू कैन बी अंडरस्टूड वेल. ओके थैंक यू वेरी मच.